हाय गाइस, मैं हूं बीके और आप देख रहे हैं ट्रस्टी वर्ल्ड। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कुछ मूवीज के लेटेस्ट अपडेट और हिंदी डबिंग न्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के बिना देरी किए। फर्स्ट अपडेट है स्पेस जैम ए न्यू लेगेसी मूवी से। तो जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस मूवी को हिंदी में देखने के लिए, उनके लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि इस मूवी की जो हिंदी डब की जो कंफर्मेशन है वो हो चुकी है और ये मूवी आपको 19 अगस्त को बुक माई शो के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी, जहां आप इस मूवी को बाय या रेंट करके देख सकते हैं। तो हमारा अगला अपडेट है वेनम मूवी के पार्ट 2 से। जी हाँ गाइस, ये मूवी रिलीज होने जा रही थी 24 सितंबर को, लेकिन अब इस मूवी के जो रिलीज डेट है उसे एक बार फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है और अब ये मूवी रिलीज होने जा रही है 15 अक्टूबर को। और ये कंफर्म है कि आपको ये मूवी इंडिया में हिंदी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी अक्टूबर के ही महीने में। तो हमारी अगली अपडेट है एनोला होम्स पार्ट 2 से। जी हाँ गाइस, इसकी जो शूटिंग है वो सितंबर के महीने से स्टार्ट होने जा रही है और इसकी जो शूटिंग है वो दिसंबर के एंड तक कंप्लीट हो जाएगी। और अगर हम बात करें इस मूवी के सेकेंड पार्ट की रिलीज डेट के बारे में, तो अभी नेटफ्लिक्स की तरफ से कोई अपडेट नहीं है इसकी रिलीज डेट के रिलेटेड, लेकिन अभी के जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक इसकी जो सेकेंड पार्ट है वो समर 2022 के एंड तक रिलीज होगी। तो हमारा अगला अपडेट है, जो लोग रोमकॉम टाइप की मूवीज देखना पसंद करते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि नेटफ्लिक्स की एक ओरिजिनल रोमकॉम मूवी आ रही है जिसका नाम है प्लेयर्स, जिसमें आपको मेन कास्ट के तौर पे देखने को मिलने वाले हैं टॉम एलिस, जिसे आप लूसीफर का रोल प्ले करते हुए देखे होंगे लूसीफर सीरीज में, और इसके अलावा मेन कास्ट के तौर पे आपको गिना रोड्रिगेज देखने को मिलने वाली हैं, जो इससे पहले नेटफ्लिक्स की थ्रिलर मिस्ट्री मूवी अवेक में काम कर चुकी हैं। और अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन अपडेट और रिलीज डेट के बारे में, तो गाइस इसकी जो शूटिंग है वो स्टार्ट हो गई है 26 जुलाई से और इसकी जो फिल्मिंग है वो चलने वाली है सितंबर के एंड तक, जिसका मतलब ये है कि आपको ये मूवी इस साल के एंड तक देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये मूवी नेटफ्लिक्स पर 2022 के मार्च या अप्रैल के बीच में रिलीज होगी। तो अभी के लिए मेरे पास बस इतना ही अपडेट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।